नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बड़ी खबर में सबसे पहले बात उस बयान की जो आरक्षण पर एक बार फिर से नई सिरे से सियासी बहस छिड़ सकता है। बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रतन मंडल ने कहा है कि अति पिछड़ा वर्ग के संपन्न लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग में सिर्फ ऐसे लोगों को ही आरक्षण मिलना चाहिए जो गरीब हैं। रतन मंडल के बयान के बाद आरक्षण को लेकर अब नई बहस छिड़ सकती है। बिहार में जहां महागठबंधन के नेता आरक्षण में किसी तरह के छेड़छाड़ के बिल्कुल खिलाफ हैं, वहीं राज्य सरकार के एक आयोग के मुखिया की ये अलग राय वाकई चौंकाने वाली है। याद कीजिए आप 2015 आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, जिसमें आरक्षण की समीक्षा की बात कही गई थी और संपन्न लोगों को आरक्षण के लाभ लिए जाने पर सवाल उठे थे। उस समय चुनावी मुद्दा भी बकायदा महागठबंधन ने इसे बनाया था। जी मीडिया संवाददाता आनंद मित्राज ने रतन मंडल से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष रतन कुमार मंडल जी, जिनके एक बयान से राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज हो गई। रतन जी, आपने अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के बारे में एक बयान दिया है कि उन्हें वो सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए जो लेते हैं संपन्न लोग, आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं लेना चाहिए, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, सबसे आरक्षण जो नियम बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आरक्षण का आरक्षण दिया है, वह नियम न्यूनतम आदमी के लिए, जो जो अंतिम व्यक्ति के लोग हैं। रिजर्वेशन का फॉलो उसको होना चाहिए जो कि हैंड टू माउथ है, जिसके पास कोई साधन ना विजन है, ना एकेडमिक कोई सोच है, ना उसके घर में कुछ ऐसा लोग इन्वायरमेंट कल्चर है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आपके इस बयान से हंगामा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग, कुछ दिन पहले जब बीजेपी की तरफ से, एक आरएसएस की तरफ से आया था कि जो संपन्न वर्ग के लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए, तो हैतवा मचा था। तो आप जेडीयू की तरफ से हैं, आपके इस बयान से आपको नहीं लगता है कि सरगर्मी तेज हो सकती है? हम तो आपको बोले अति पिछड़ा सेगमेंट में बोले कि अति पिछड़ा सेगमेंट में जो आर्थिक संपन्न है उसको रिजर्वेशन नहीं लेना चाहिए। तो आप एक संवैधानिक पद पे हैं, सरकार बिहार सरकार की तरफ से एक संवैधानिक पद पे हैं, और आपने सरकार से इस बारे में बातचीत की या फिर आप कुछ पहल करेंगे, कैसे बातें होंगी? निश्चित, हम तो देश हमारा, देखिए हमारा कहना, जैसे बिहार सरकार, हिंदुस्तान में 5 ऐसा स्टेट है, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका और बिहार, जहाँ की पिछड़ा और अति पिछड़ा का सेपरेशन हुआ है, और जहाँ के 18% अति पिछड़ा को अधिकार मिलता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा के प्रति जो संवेदना व्यक्त किया और उनके प्रति जो उसकी संवेदना, उसके प्रति जो काम है, निश्चित रूप से यह बहुत प्रशंसनीय। और आज के आज तक हिंदुस्तान के कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अति पिछड़ा के प्रति इतना संवेदनशील और उतना नीति और नियत दोनों स्पष्ट नहीं है। तो ये थे हमारे साथ अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रतन कुमार मंडल जी, जिन्होंने साफ किया कि उनकी कोशिश रहेगी कि अति पिछड़ा वर्ग में जो संपन्न वर्ग के लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिले, उन्हें वो तमाम सहूलियत नहीं मिले जिसका वो फायदा अब तक उठाते आ रहे हैं। कैमरामैन निशांत रंजन के साथ आनंद अमृता, जी मीडिया, पटना। हालांकि जेडीयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करती और उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। अभी भी जो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, वो इस देश में, इस राज्य में या देश में जो संपन्न लोग हैं, मेरी पार्टी, मेरा दल और मैं व्यक्तिगत रूप से भी, जब तक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समानता नहीं आ जाता है, समरूपता नहीं आ जाता है, आरक्षण लागू रहेगा और किसी की ताकत नहीं है आरक्षण को खत्म। लेकिन सवाल है कि आखिर आरक्षण पर बात करने से भी सियासतदान परहेज क्यों करते हैं? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को चुनावी मुद्दा बनाने वाले आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के नेता क्या रतन मंडल के बयान पर गंभीरता से विचार करेंगे? क्या उनके बयान पर जवाब देना पसंद करेंगे? आने वाले दिनों में मुमकिन है जवाब मिले, लेकिन आरक्षण पर किसी भी तरह की बहस के लिए जरूरी है इसका इतिहास जानना और कैसे आरक्षण पर हर क्षण राजनीति होती रही, ये आपको बताते हैं। 29 जनवरी 1953 को पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष काका कालेलकर थे। 30 मार्च 1955 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में 2,399 जातियों को पिछड़ा माना गया और इनमें से 837 को अति पिछड़ा माना था इस आयोग ने। फिर 20 दिसंबर 1978 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में नए आयोग की घोषणा की गई। मंडल आयोग ने 3,743 जातियों को पिछड़ा माना और ये कहा कि जनसंख्या का 52% हिस्सा पिछड़ा है।
1931 की जनगणना को आधार बनाते हुए मंडल आयोग ने ये रिपोर्ट सौंपी। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश भी की, जिसे मंजूर किया गया। SC ST को पहले ही 22.5% आरक्षण हासिल था। हालांकि शुरुआत में सिर्फ SC और ST को 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन ये बढ़ता गया और बाद में OBC को भी आरक्षण देने की सिफारिश की गई और उसे मंजूर किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु में विशेष परिस्थिति में ये 50% आरक्षण की समय सीमा से ऊपर दिया गया है। और हाल के दिनों में कई राज्यों में आंदोलन, जाट का आंदोलन या फिर गुजरात में पाटीदार समाज के आंदोलन की वजह से राजनीति जो हुई और उसका असर हाल में ही गुजरात में गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया। हालांकि इन सब के बीच पहली बार ऐसा नहीं है जब संपन्न लोगों को आरक्षण मिलने पर सवाल खड़ा किया गया। साल 2015 में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की वकालत की थी, संपन्न लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने की समीक्षा की बात कही थी, जिसे उस समय RJD JDU कांग्रेस ने चुनाव में मुद्दा बनाया था बिहार विधानसभा चुनाव में। अब अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष रतन मंडल का बयान आया है और कहा है उन्होंने कि संपन्न लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, लेकिन JDU रतन मंडल के बयान से किनारा करता नजर आ रहा है। वैसे सियासत झारखंड में भी हो रही है, शोषितों और पीड़ितों के नाम पर ही, आदिवासी के नाम पर सियासत का झारखंड में लंबा इतिहास रहा है जो फिर से एक बार शुरू होता नजर आ रहा है। राज्य सरकार के CNT और SPT एक्ट में संशोधन को लेकर राज्य में राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष इसे आदिवासी विरोधी बता रहा है संशोधन को, वहीं आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी इसकी आलोचना कर रहे हैं और इसे आदिवासियों की अस्मिता पर हमला बता रहे हैं। अनावश्यक रूप से जो अनुसूचित जनजाति की जमीन को लेन देन करके जो कंपनसेशन का किया जाता था, उस कंपनसेशन के प्रावधान को खत्म किया गया है। इसमें एक चीज़ और हम लोगों ने चेंज किया है, जैसे पहले सुनवाई का काम डिप्टी कमिश्नर के यहाँ होता था हटाने के पहले, उसमें ये लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर सुनवाई करना है, अब वो पीरियड 2 साल तक बढ़ सकता है, तो वो 2 साल की अवधि को हमने हटा दिया है। हमने कहा है कि अब आप सुनवाई कीजिए 6 महीने में, क्यों 2 साल के समय की आवश्यकता है, ताकि निर्णय हो और कार्रवाई हो। अनुसूचित जनजाति का अधिकार अक्षुण है, रिस्टोरेशन के मामले में यदि कहीं पे तथ्यात्मक बात आएगी तो वो उसके लिए उसका हक बना रहे। CNT एक्ट और SPT एक्ट में जो संशोधन की बात कर रही है झारखंड के आदिवासियों का, वो विनाश करने की योजना तैयार कर रही है और पूरी तरह से झारखंड में जो भी आज की तारीख में बड़े बड़े परियोजनाओं से डिस्प्लेसमेंट होने के बाद जो आदिवासी आबादी, जो कल के दिन में जो इतिहास कहता है, जो यहाँ पर 70% आदिवासी थे, आदिवासी राज है, इसीलिए तो आदिवासी राज का दर्जा दिया गया है और 15 नवंबर को ये राज का पुनर्गठन किया गया है। इसको किसी को नहीं भूलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं भूलना चाहिए, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, ये आदिवासी राज है और आदिवासियों ने इस राज के लिए आंदोलन किया था, यहाँ का मट्टी के लिए, जंगल के लिए, पानी के लिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और RSS और मोदी की सरकार ने जिस तरह से आदिवासियों को, जो बचे खुचे आदिवासी हैं, जो 26% आदिवासी आज की तारीख में है विस्थापित होने के बाद यहाँ पर बचे हुए हैं, उनको पूरी तरह से निस्तनाबूत करने की योजना तैयार कर ली है, इसीलिए सेंटी एक्ट SPT एक्ट में परिवर्तन करने की बात कर रही है। अगर कोई चाहता है अपनी सहमति से थोड़े बहुत कन्वर्जन के लिए करता है, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ला सकता है, देना चाहिए वकील, लेकिन मेन उसका ऑप्शन वैकल्पिक ये हो सकता है, मुख्य रूप से ये होना चाहिए कि जिसकी ज़मीन है उसको हम लोग ये फाइनेंशियली मदद करें सरकार, ये तो सेकेंडरी कर दिया, जो ज़मीन मालिक है उसको सेकेंडरी कर दिया है, जो कन्वर्सन के माध्यम से आ रहा है वो उसका प्रायोरिटी हो गया है। देखिए, ये चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे CNT SPT एक्ट का मामला हो, कहीं ना कहीं सरकार वैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है जो झारखंड के मूल वासी नहीं है, जो झारखंड के आदिवासी नहीं है, उन लोगों के लिए एक नया रास्ता खोलने का काम कर रही है, चाहे वो बिल्डर्स हों चाहे उद्योगपति हों, उनके लिए काम कर रही है। हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ये सरकार उद्योगपतियों और बिल्डर्स की सरकार है। आपको बता दें, संशोधन जो है कैबिनेट ने मंजूर किया है और इसे विधानसभा में लाया जाएगा
मंजूरी के लिए, लेकिन संशोधन हुआ क्या है? सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन क्या किया गया है जिस पर सियासत शुरू हो गई है? दरअसल सीएनटी एक्ट की धारा 21, 49, 71 और एसपीटी एक्ट की धारा 13 में संशोधन किया गया है। इसके मुताबिक पहले उद्योग और खनन के लिए ही जमीन ली जा सकती थी, लेकिन अब बाकी विकास कार्यों के लिए भी जमीन ली जा सकेगी। मसलन सड़क, दूरसंचार, एयरपोर्ट जैसे विकास कार्यों के लिए भी जमीन ले सकती है सरकार। जमीन का इस्तेमाल 5 साल के अंदर करना होगा, कंडीशन ये है। और 5 साल के अंदर अगर जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो फिर जमीन मालिक को जमीन वापस दी जाएगी, साथ ही दी गई मुआवजे की रकम वापस नहीं ली जाएगी। जब जमीन ली गई उस समय जो मुआवजा दिया गया होगा, जमीन वापस करने के बाद भी मुआवजा दिया नहीं जाएगा वापस। मुआवजे के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी, संशोधन ये भी है। इसके अलावा जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार मालिक को देने का फैसला किया गया है। जमीन मालिक अब अपनी कृषि योग्य जमीन का व्यवसायिक उपयोग कर सकेगा, यानी उस जमीन पर मकान दुकान का निर्माण भी कर सकेगा अगर वो कृषि योग्य जमीन है भी। जमीन मालिक प्रकृति का में बदलाव कर सकता है, ये संशोधन किया गया। लेकिन इस संशोधन पर सवाल है और इस पर सियासत शुरू हो गई है।